हेलो एवरीबडी टुडे वी विल डिस्कस क्लास ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स चैप्टर नेम इज़ गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी तो चलो ये चैप्टर बेटा शुरू करते हैं दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वेरी इजी चैप्टर पूरी कोशिश करूँगी मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की सो लेट्स कैरी ऑन तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ी सी इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं कि हमने जो है वाई गवर्नमेंट मेक्स बजट गवर्नमेंट क्यों बजट बनाती है गवर्नमेंट को क्या जरूरत है बजट बनाने की जब गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी हमारी चलती है हमारी इकॉनमी को चलाने की जरूरत क्यों पड़ती है सो so ये हम डिस्कस करते हैं अब देखो हर एक इकॉनॉमी में कोई भी वो कंट्री हो इव, इव, इवन इट इज इंडिया और इट इज़ अमेरिका और इट इज़ चाइना और इट इज़ ऑस्ट्रेलिया और इट इज़ एनी अदर कंट्री किसी भी कंट्री का नाम लो हर कंट्री में क्या होता है कि गवर्नमेंट का क्या मेन मोटिव क्या है मेन मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू इंक्रीज द वेलफेयर ऑफ द पीपल कि लोगों का वेलफेयर ज़्यादा करे पर ये सिर्फ वेलफेयर के ऊपर भी अकेले ध्यान नहीं देना साथ के साथ साइमल्टेनियसली उन्होंने इकोनॉमी भी को भी डेवलप करना है इकोनॉमी की जीडीपी को भी राइज करना है सो so, ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलें इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे काम करते हैं अब करने पड़ते हैं अब देखो जब गवर्नमेंट ने एक किसी भी इकोनॉमी की गवर्नमेंट ने एक एक कंट्री का मैं जो वेलफेयर है उसको मैक्सिमाइज़ करना है किसी इकॉनमी का किसी कंट्री का वेलफेयर सोशल वेलफेयर लोगों का अगर बढ़ाना है उसको बढ़ाने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत है देखो सबसे पहले उसके लिए जब भी हमने किसी इकॉनमी को के लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करेगी पहले इंफ्रास्ट्रक्चरल को डेवलप करेगी अब इंफ़्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए के जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे रोड्स डेवलप होगी रोड रोड्स बन गई हमारी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर हो गया हमारी कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स हो गए जब बारिश आ रही है कुछ आ रही है पानी को रेगुलेट करना ऐसे सारी के सारे जो आपकी बेसिक कमूनिटीज़ होती हैं वो सारी प्रोवाइड करना उन सबको इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अब जब एक गवर्नमेंट के ऊपर उसके ऊपर मेन मोटिव उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है वो क्यों करती है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप सो डैट एक इकॉनमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और वेलफेयर एक्टिविटीज़ हमारी बढ़ जाए अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और वेलफेयर एक्टिविटीज़ के पढ़ने से क्या होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स मॉनेटरी टर्म्स की एक्टिविटीज़ मीन्स हमारी ट्रेडिंग ज़्यादा बढ़ जाए हमारा सेल एंड परचेज ऑफ़ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज़ हो जाए सेल एंड एंड परचेज ऑफ़ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आपको इन्फ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करना ही पड़ेगा साथ ही साथ अगर आपने लोगों का वेलफेयर देखना है लोगों की वेलफेयर एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करना है उसके लिए आपको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो रिमोट एरियाज़ में सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स कैसे पहुंच पाएंगे और जो आप आपके गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल जो आपके अर्बन एरियाज़ में अब ईज़िली अवेलेबल है वो आपके रिमोट एरियाज़ में कैसे अवेलेबल होंगे वो सारी चीज़ें आपकी इन्फ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से ही होंगी ठीक है अब देखो जब एक इकॉनमी की गवर्नमेंट के हाथ में ये चीज़ें हैं कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है जिसके करने से आपकी इकोनॉमिक और वेलफेयर एक्टिविटीज बढ़ेंगी अब इन सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड अलॉट पैसा तो चाहिए ना गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड मनी टू इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इकॉनमी और काफी उसमें ह्यूज अमाउंट आपका ह्यूज एक्सपेंडिचर आपका लगता है अब उन इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आएगा कि वो सारी इन्फ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो सके ओवरऑल इकोनमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और वेलफेयर एक्टिविटीज़ हमारी इम्प्रूव हो सकें इसलिए गवर्नमेंट को प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है और वो जो प्रॉपर प्लानिंग होती है वो एक पॉलिसी के थ्रू होती है इसलिए एक इकॉनमी को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए चलाने के लिए कि उसमें सोशल एक्टिविटीज़ सोशल वेलफेयर लोगों का और हमारी जीडीपी की भी साथ के साथ राइज हो ताकि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इकोनॉमी की हो इन दोनों चीज़ों को पैरेलल साइड बाय साइड चलाने के लिए गवर्नमेंट को एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है एक गवर्नमेंट को बजट बनाना पड़ता है सो so डैट पूरा साल उनको पता रहे कि हमने कैसे काम करना है कहाँ कहाँ पे इससे हमारे को पैसा आना है और कहाँ कहाँ पे हमारा पैसा जाएगा सो so, ये सारी चीज़ें आपकी ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है गवर्नमेंट बजट का कि ये हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं वाई इट इज़ रिक्वायर्ड सो so डैट आपको पता चले चलेनोमी कैसे चलती है गवर्नमेंट का बज गवर्नमेंट बजट का क्या रोल है उसमें ठीक है ये देखो मैंने आपको फ्लो चार्ट के हिसाब से एक आ, समझाया है इसमें कि आपको एक में गवर्नमेंट ने वेलफेयर इंक्रीज करना है उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए क्यों करते हो ताकि आपकी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ और वेलफेयर एक्टिविटीज़ बढ़ें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और वेलफेयर एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है ह्यूज एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट नीड्स उसके लिए आपकी प्रॉपर प्लानिंग हो गवर्नमेंट करती है पॉलिसीज के थ्रू सो ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको डिटेल में समझाई हैं जो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू इसमें एक चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है ठीक है बेटा आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा तो चलो अब हम आगे देखते हैं आगे हमने इस चैप्टर में क्या नाउ कम्स के बजट अब पहले तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमने गवर्नमेंट का बजट हमने पढ़ना है इकोनॉमी में तो और इकोनॉमी का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है तो आपको सबसे पहले बजट का मतलब पता होना चाहिए कि बजट होता क्या है तो फिर जो देखो टर्म बजट इज अराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बजटे। नॉर्मली बजट जो है आपका एक ये फ्रेंच वर्ड बजटेड था जिससे आपका डिराइव किया गया जिसका मतलब क्या है मीनिंग क्या है का फ्रेंच लैंग्वेज में फ्रेंच वर्ड है तो फ्रेंच लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली उसका मतलब क्या है लेदर बैग और वॉलेट बजट का मतलब क्या है लेदर बैग और वॉलेट तो बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड बजट ये मैं आपको गवर्नमेंट बजट नहीं आपको नॉर्मल बजट बता रही हूँ जो आपको गवर्नमेंट बजट के साथ रिलेट होता है बजट तो बजट ही है राइट अभी से आपको नॉर्मल बजट बता रही हूँ जो गवर्नमेंट बजट हम डिस्कस करेंगे उसमें भी ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी सो so, बजट क्या है बजट एक फाइनेंशियल प्लान है जो एक स्पेसिफिक पीरियड का होता है बजट हम एक स्पेसिफिक पीरियड का बनाते हैं अगर आप देखो नॉर्मली आपके घर में आपके पेरेंट्स भी बजट बनाते हैं महीने के लिए या टू मंथ्स के लिए फॉर वन ईयर एज अ केस में भी नॉर्मली वन वन मंथ के लिए बनाते हैं जब उनकी सैलरी आती है तो हमने कैसे कैसे सैलरी से घर को चलाना है सो so, बजट आपका हर जगह पे यूज होता है चाहे वो स्मॉल स्केल पे हो चाहे वो आपका लार्ज स्केल पे हो सो बजट बेसिकली एक फाइनेंशियल प्लान है जो आपका स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है टाइम ड्यूरेशन होती है जिसके लिए आपका बजट होता है सो बजट इज़ अ फॉर्मल प्लान ऑफ एक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स जो बजट है आपका ये आपका मॉनेटरी टर्म्स मींस मनी में आपका एक्सप्रेस होता है हम पैसों की लेन देन करनी है पैसों का देखना हमें कहाँ खर्चना है कहाँ से बचाना है कहाँ कहाँ से हमारी इनकम आएगी कहाँ से हमारा एक्सपेंडिचर जाएगा कहाँ हमें सेविंग्स करनी है सो ये सारी आपकी मनी की टर्म्स में होता है बेसिकली बजट में आपकी एस्टिमेशन uh, होती है रेवेन्यूज़ की और एक्सपेंसेस की जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की है इससे आपका आइडेंटिफाई किया जाता है कितनी आपके पास कैपिटल अवेलेबल है कितना आपने इस टाइम पीरियड में जितने टाइम पीरियड के लिए बनाया आपके खर्चे होंगे और कहाँ कहाँ से आपको फ्यूचर में पैसा आएगा ठीक है सो बजट बेसिकली क्या है बजट एक आपका फ्यूचर एक्टिविटीज़ का प्लान है ठीक है बेटा ये बजट का बेसिकली मीनिंग है कम्स गवर्नमेंट बजट क्या होता है अब हमने गवर्नमेंट बजट के ऊपर आ जाते हैं क्योंकि आपका चैप्टर फोकस गवर्नमेंट बजट के ऊपर है तो गवर्नमेंट बजट जो है इट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट बजट है वो एक साल का होता है और वो बेसिकली आपका कहाँ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो आपको शो करता है कहाँ कहाँ से आपके पैसा आना है रेवेन्यू आनी है अगले इस साल में और कहाँ कहाँ पे आपके खर्चे होने हैं ठीक है थीके? तो ये गवर्नमेंट के बारे में लार्ज स्केल में आ जाता है अब एक कुछ बहुत सी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट बजट में हम लोग देखते हैं सो चलो ये आपको पता होना चाहिए जो गवर्नमेंट बजट है वो हर लेवल पे बनता है हर लेवल की सरकार बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है स्टेट गवर्नमेंट बनाती है और लोग एंड लोकल गवर्नमेंट बनाती है ये मैंने आपको सिर्फ बताया है बट बत आपके लेवल पे सिर्फ हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट डिस्कस करना है जिसको हम सेंट्रल बजट सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट जो बनाती है उसको हम यूनियन बजट के नाम से जानते हैं यूनियन बजट बोलते हैं ठीक है और ये जो यूनियन बजट है ये आपका तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होता जब तक कि वो पार्लियामेंट में उसकी अप्रूवल नहीं होती सो so, किसी भी यूनियन बजट को इम्प्लीमेंट करने से पहले इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट राइट जो भी आपका उस टाइम के आपके फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री होते हैं इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम के होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं यूनियन बजट को फेबररी में प्रेजेंट करते हैं हर साल इंडिया में ठीक है और बेसिकली फाइनेंस जो आपके ये यूनियन बजट है वो क्या क्या बताता है वो आपको गवर्नमेंट ने पिछले साल में उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे थी वो सब कुछ डिस्कस होता उसमें बताया जाता है और क्या बता जा बताया जाता है कि एक तो पिछले साल जो निकल गया हमारा साल उस साल में हमारा साल कैसा रहा उसकी हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही वो सारी अनफोल्ड करते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बजट में यूनियन बजट में एंड उसके अलावा जो हमारा कमिंग ईयर है उस ईयर में हम सारी कैसी फाइनेंशियल प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने फॉलो करनी है अगले साल के लिए वो सारी चीज़ें हमारी डिस्कस होती हैं सो so ये है आपका गवर्नमेंट बजट जो जिसको हम यूनियन बजट आपके लेवल पे वो ही आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनाती है ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग